नमस्कार मित्रों, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रीट में भाषा का चयन कैसे हमें करना है, कौन कौन सी दो लैंग्वेज हमें लेनी है, क्योंकि मित्रों रीट में भाषा का चयन आपको सफलता के करीब ले जा सकता है। इसलिए सोच समझकर बड़ी सूझ के साथ आप भाषा का चयन करेंगे। इसी में मैं आपकी हेल्प करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि चाहे L1 हो या L2 हो, सभी छात्रों को रीट में दो लैंग्वेज, दो भाषा लेनी होती है, दो अनिवार्य है। उन्हें भाषाओं में हम कौन सी भाषाओं का चयन करें, ये आज हम देखेंगे। देखें मित्रों, हमारे यहां राजस्थान की बोलचाल की भाषा हिंदी है, इसलिए आप सभी छात्र हिंदी तो लेना चाहेंगे, लेकिन मैं दूसरी लैंग्वेज की बात आज आपसे करना चाहूंगा कि हमें अंग्रेजी लेनी चाहिए या संस्कृत लेनी चाहिए या उर्दू लेनी चाहिए या गुजराती लेनी चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सी भाषा आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है, कौन सी भाषा सफलता के करीब आपको पहुंचा सकती है, ये बात मैं आपसे आज करूंगा। मित्रों, एक भाषा आपने हिंदी ली, ठीक है, लगभग सभी छात्र हिंदी भाषा को लेना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में हम बात करते हैं, हम प्रारंभ से जन्म से ही हिंदी भाषा को सुनते आ रहे हैं, इसलिए एक भाषा तो हम लेंगे। बात यह है कि अब हम दूसरी भाषा यानी अंग्रेजी लें या संस्कृत लें, इन्हें दो भाषाओं की आज मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको करवाऊंगा कि अंग्रेजी या संस्कृत दोनों में से कौन सी भाषा ऐसी है जो आपको अधिक मार्क्स दे सकती है, अधिक अंक दे सकती है, आपको सफलता दिला सकती है। तो मित्रों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें और आप निश्चित रूप से वीडियो भाषा के चुनाव में कारगर सिद्ध होगी। अंत तक देखें, बहुत लाभकारी वीडियो आपके लिए रहने वाली है ये। तो देखें मित्रों, अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में से पहले मैं ही आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। मित्रों, पहले मैं ही एक प्रश्न करूंगा कि आप सभी अपनी अपनी जो 10वीं की अंक तालिका है, जो मैट्रिक की मार्कशीट है, उसे मार्कशीट को आप एक बार देखें, एक बार उसका अवलोकन करें और आप देखें संस्कृत विषय में कितने मार्क्स आपके आए हैं 10वीं में, अंग्रेजी में कितने मार्क्स आपके आए हैं, एक बार आप देखें। आप देखोगे तो पाओगे कि प्राय 90% छात्रों से अधिक, दावे के साथ कह रहा हूं मित्रों, 90% छात्रों के अधिक अंक संस्कृत में आए होंगे, यहां 10% से भी नीचे अंक आए होंगे। और ये मित्रों, ये स्थिति कब है ये और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब की स्थिति है, जब हमें 10वीं में अंग्रेजी का ट्यूशन करते थे, स्कूल के अलावा भी हम अंग्रेजी की अतिरिक्त कक्षाएं लिया करते थे, विद्यालयों में भी नियमित रूप से अंग्रेजी का कालांश लगा करता था, अंग्रेजी पर बहुत अधिक मेहनत हुआ करती थी। और संस्कृत मित्रों, आपको पता है संस्कृत पर प्राय हमें हमारे विद्यालय भी ध्यान नहीं देते थे और हम भी संस्कृत पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ
बहुत अच्छी तैयारी करते थे, ट्यूशन करते थे, उस अवस्था में उस स्थिति में 10% से भी कम छात्रों के अंग्रेजी में अधिक अंक देखने को मिलेंगे, बाकी 90% से अधिक छात्रों के संस्कृत में ही अधिक अंक होंगे और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों आपने अपनी मार्कशीट का अवलोकन कर लिया होगा। और ऐसा क्यों हमें अंग्रेजी और संस्कृत इन दोनों में से कौन सी भाषा चुने, यह महत्वपूर्ण है मित्रों। और देखें अब मित्रों, मैं अभी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों को ही छोड़कर मैं आपसे थोड़ी सी हिंदी की बात करना चाहूंगा कि हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, हिंदी में क्या क्या रहने वाला है, रीट में क्या क्या आता है, ये बात करूंगा मैं, हिंदी लैंग्वेज की बात करूंगा। उसके बाद मैं इधर बात करूंगा कि यहां हमें फिर कौन सी, आप खुद चयन करेंगे, खुद आप विचार करेंगे और खुद को लगेगा कि वाकई आज की जो वीडियो है वो हमारे लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई। देखें आप, मैं यहां से ही बात करना चाहूंगा मित्रों, आप वर्णों की बात करोगे हिंदी में, वही सारे स्वर है, व्यंजन, आयोगवाह, ये सारी बात हमें यहाँ करनी होती है। इसके अलावा हमें उच्चारण स्थान भी मित्रों यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमें इसके अलावा प्रयत्न इत्यादि की भी बात यहाँ पर होती है, इसके अलावा यहाँ हम संधि भी पढ़ते हैं, यहाँ हम समास भी पढ़ते हैं, यहाँ हमें प्रत्यय भी पढ़ते हैं, यहाँ हम उपसर्ग भी पढ़ते हैं, यहाँ और भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और शिक्षण विधि, बहुत बड़ा पाठ है शिक्षण विधियों का, शिक्षण विधि ये हिंदी के पाठ्यक्रम में रहता है सबके साथ। अब मैं बात आपसे इधर की करना चाहूंगा मित्रों, मैं बात संस्कृत की करना चाहूंगा कि संस्कृत के सिलेबस पर भी हम एक नजर संस्कृत के सिलेबस पर भी हम डालें, तो यहां हम देखेंगे मित्रों कि यहां भी हमें वर्ण पढ़ते हैं मित्रों, यहां पर भी उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, यहां पर भी प्रयत्न इत्यादियों की बात होती है, यहां संधि भी पढ़ी जाती है, समास भी पढ़े जाते हैं, यहाँ प्रत्यय भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं, कारक होते हैं, अव्यय होते हैं, सुक्ति, वाच्य और मित्रों शिक्षण विधि, ये प्राय प्राय ये विषय ये संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम है जो रीट के अंतर्गत आता है। अब मैं प्रारंभ से आपसे बात करना चाहूंगा मित्रों, यहां आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी, आपको संस्कृत में भी वर्णमाला पढ़नी है। यदि हम संस्कृत लेते हैं तब हमें क्या लाभ हो सकता है, ये बात मैं आपसे करना चाहूंगा मित्रों। यहां जब वर्ण पढ़ते हैं तो यहां वर्ण, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, यहां पर भी स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं मित्रों, यहां पर भी स्वर व्यंजन और यहां पर भी स्वर व्यंजन। जब यहां बात करते हैं मित्रों स्वरों की बात करते हैं तो ए, ई, ऊ, री, ये चार ह्रस्व होते हैं, और आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी, री, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ होते हैं। यहां भी मित्रों वो ह्रस्व और दीर्घ यहां भी होते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि यहाँ अल री ह्रस्व और होता है और बड़ी री दीर्घ और होता है, बाकी वो स्वर यहाँ वो स्वर यहाँ। व्यंजनों की जब बात करेंगे मित्रों तो कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्गों के 25 व्यंजन को यहाँ पर भी स्पर्श कहा जाता है, और मित्रों यहाँ पर भी कैसे लेकर के मैं तक के 25 व्यंजनों को यहाँ भी स्पर्श कहा जाता है,
ये बरेले चारों को अंतस्थ यहाँ कहा गया, ये बरेले चारों को अंतस्थ यहाँ कहा गया। यहाँ भी उष्म चार होते हैं, यहाँ पर भी उष्म चार होते हैं। तो मित्रों बताइए, आप बताइए, वर्ण जब हिंदी में हमने पढ़े तो वही वर्ण तो संस्कृत में है, केवल केवल दो वर्णों की बात, एक री और एक दीर्घ री, ये दो स्वर और अतिरिक्त है, इन दो स्वरों की और अलग से बात कर लेंगे। बाकी वर्ण माला जो हिंदी में है वही वर्णमाला संस्कृत में है। मित्रों वर्णों की ही बात नहीं है, आगे मैं बात करूं आपसे उच्चारण स्थानों की बात करूं, यहां पर भी उच्चारण स्थान और यहां पर भी उच्चारण स्थान, यहां यहां भी कैवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है मित्रों, और यहां पर भी कैवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, यहां भी चैवर्ग तालु से बोला जाता है, यहां भी तालु से बोला जाएगा, यहां टैवर्ग मूर्धा से, यहां भी टैवर्ग मूर्धा से, यहां तैवर्ग दांतों से और यहां भी दांतों से ही बोला जाएगा मित्रों, पैवर्ग ओष्ठों से ही बोला जाता है, यहां पर भी पैवर्ग ओष्ठों से ही बोला जाता है, ए आ कंठ से बोला जाएगा, ए आ यहां भी कंठ से बोला जाएगा, ई तालु से और यहां भी तालु से बोला जाएगा, ए आई कंठ तालु से बोला जाता है और यहाँ पर भी कंठ तालु से बोला जाता है। बताइए मित्रों फिर अंतर क्या है, जब हम हिंदी का हिंदी के उच्चारण स्थान तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो फिर ये अलग है क्या? जी नहीं, वही उच्चारण स्थान होते हैं, इसलिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है मित्रों, वही हिंदी में है वही संस्कृत में है। मैं आगे भी आपसे बात करूंगा मित्रों कि यहाँ यहाँ प्रयत्नों की बात की और यहाँ पर भी मैं प्रयत्नों की आपसे बात करूंगा। जब यहाँ यहाँ बात करते हैं प्रयत्नों में तो यहाँ देखते हैं हम घोष घोष अघोष यहाँ भी होते हैं और घोष अघोष यहाँ भी होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण यहाँ भी होते हैं और अल्प प्राण महाप्राण यहाँ भी होते हैं। बताइए वही 1-3-5 अंतस्थ अल्प प्राण में आते हैं हिंदी में भी और 1-3-5 अंतस्थ अल्प प्राण में आते हैं संस्कृत में भी, 2-4 ऊष्म यहाँ महाप्राण में आते हैं और 2-4 ऊष्म यहाँ भी हिंदी में भी महाप्राण में आते हैं। बताइए मित्रों अंतर क्या है, बताइए मुझे। घोष अघोष, घोष की जब बात करते हैं हिंदी में तो तीसरा चौथा पांचवा है अंतस्थ, ये घोष वर्ण होते हैं मित्रों, और यहाँ पर भी तीसरा चौथा पांचवा है अंतस्थ, यहाँ भी घोष होता है। यण संधि हिंदी में मानी गई है और संस्कृत में भी प्रत्येक शब्द में यण संधि ही होती है मित्रों। बताइए संधि में वही, यहाँ पर भी दीर्घ संधि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, यण संधि और यहाँ अयादि संधि, अयादि संधि। बताइए मित्रों अंतर क्या, अंतर क्या? दीर्घ संधि में हम पढ़ते हैं हिंदी में ए आ के बाद ए आ हो तो आ होता है, ई के बाद ई हो तो बड़ी ई होती है, ऊ के बाद ऊ हो तो बड़ा ऊ होता है, तो संस्कृत में, संस्कृत में भी तो मित्रों ए आ के बाद ए आ हो तो आ ही होगा, ई के बाद ई होगा तो बड़ी ई होगा, ऊ के बाद ऊ होगा तो बड़ा ऊ होगा, संस्कृत में भी तो यही दीर्घ संधि है। गुण संधि में यहाँ ए आ के बाद ई हो तो ए होता है, यहाँ भी ए आ के बाद ई हो तो ए होता है, यहाँ भी ए आ के बाद ऊ हो तो ओ होता है, यहाँ भी ए आ के बाद ऊ हो तो ओ होता है। ए आ के बाद री होता है तो अर बन जाता है हिंदी में, और ए आ के बाद री होता है तो संस्कृत में भी अर हो जाता है। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि हिंदी में बनेगा और राजा प्लस ऋषि का राजर्षि ही संस्कृत में बनेगा। बताइए मित्रों यहाँ अलग क्या है, जगत प्लस ईश का जगदीश यहाँ बना, जगत प्लस ईश का जगदीश ही यहाँ बनेगा, अलग क्या है? हमें क्यों 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 अंग्रेजी भाषा का चुनाव करें जब जब जो हिंदी में है वही संस्कृत में है, अलग क्या है मित्रों? ये बता दीजिए, सोच लीजिए हमें कौन सी भाषा लेनी चाहिए, और आप अंत तक देखेंगे मैं आपको पूरा पूरा तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगा आपके मस्तिष्क में, जो जो भाषा का चुनाव को लेकर के जो द्वंद चल रहा है निश्चित रूप से आज वो द्वंद आपका समाप्त होने वाला है मित्रों। देखिए आप इसके बाद मैं बात करूं समास की, बात करूं यहाँ पर भी समास और यहाँ पर भी समास मित्रों, यहाँ पर भी अभिभाव होता है, यहाँ भी अभिभाव, यहाँ भी बहुवरी, यहाँ भी बहुवरी, यहाँ भी द्वंद, यहाँ भी द्वंद, यहाँ भी कर्मधारी, यहाँ भी कर्मधारी, यहाँ भी तत्पुरुष, यहाँ भी तत्पुरुष। बताइए वही तो है,
अलग क्या है बताइए मुझे। जब जब बात की जाती है हिंदी में कि बताइए यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, जब हिंदी में बात की जाती है तो मित्रों अव्ययीभाव समास होता है, लेकिन संस्कृत में, संस्कृत में भी मित्रों अव्ययीभाव समास होता है। अंतर क्या है? यहां दशानन हो, गजानन हो या चंद्रशेखर हो, यहां हिंदी में बहुव्रीहि समास होता है और मित्रों उन्हीं शब्दों में संस्कृत में भी बहुव्रीहि समास होता है। बताइए अब अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है मित्रों। जब हम हिंदी में संधि समास पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी हम संधि समास पढ़ेंगे। और भी मैं आपसे बात करूं मित्रों, उपसर्गों की मैं बात करूं, उपसर्ग हिंदी में भी पढ़ने होते हैं और उपसर्ग संस्कृत में भी पढ़ने होते हैं। जब हिंदी में हम उपसर्ग पढ़ते हैं तब हमें बात करनी होती है। उपसर्गों को हम तीन प्रकार से विभाजन करके पढ़ते हैं, एक हिंदी के अपने खुद के एक उपसर्ग होते हैं, एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और एक विदेशी उपसर्ग होते हैं मित्रों। और यह हिंदी में जब हमने पढ़े कि हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, तो मित्रों ये जो संस्कृत के उपसर्ग आपको हिंदी में आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हिंदी में तो आपको उपसर्ग पढ़ने ही पड़ेंगे। और यह हिंदी के उपसर्गों की जब बात करूंगा तो संस्कृत के उपसर्ग आएंगे और संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं मित्रों? 22 होते हैं। और यहां भी उपसर्ग पढ़ेंगे और यहां भी मित्रों द्वाविंशति उपसर्गा भवन्ति, यहां भी 22 होते हैं। वही उपसर्ग वहां, वही उपसर्ग यहां। प्रे परा आप समय अनु अब निश्चय निरे दोषे दोरे बी अग्नि अति अपि अति प्रति परिसु उद उप अप, ये 22 उपसर्ग हिंदी में होते हैं। और ये के यही मित्रों, ये के यही 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं। तो फिर इन दोनों में अंतर ही क्या है? तो फिर हम क्यों नहीं हम संस्कृत का चुनाव करें जब हमें ये सारी चीज पढ़नी ही पड़ रही है। एक जगह आप पढ़ाई कर लीजिए मित्रों, दूसरी जगह आप रिविजन कर लीजिए, आपका यहाँ रिविजन हो जाएगा, वहां पढ़ाई हो जाएगी मित्रों। हिंदी से आपको बेनिफिट संस्कृत में मिलेगा और संस्कृत से बेनिफिट आपको हिंदी में मिलेगा मित्रों। डबल 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 आपका अध्ययन होगा। हिंदी की भी संधि पढ़ोगे, संस्कृत की भी संधि पढ़ोगे, समास यहाँ भी, समास वहां भी, उपसर्ग यहाँ भी, उपसर्ग यहाँ भी। आगे प्रत्ययों की बात कर लीजिए मित्रों, प्रत्यय यहाँ भी हमें पढ़ने हैं, प्रत्यय यहाँ भी हमें पढ़ने हैं, और हिंदी में भी प्रत्यय और संस्कृत में भी प्रत्यय। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे मित्रों कि अंतर क्या? केवल प्रत्ययों में नाम का अंतर है मात्र, केवल नाम का अंतर है, केवल नाम का अंतर है। कैसे वो देखें आप मित्रों, जब हम बात करते हैं हिंदी में, जब पूछा जाता है सुंदर, सुंदरता, कि यहां कौन सा प्रत्यय है, तो हिंदी में बात की जाती है तो हिंदी में ता प्रत्यय माना गया। संस्कृत में जब बात की जाती है मित्रों कि बताइए सुंदरता में कौन सा प्रत्यय, तो यहां प्रत्यय कौन सा है? तल प्रत्यय है मित्रों। केवल नाम का अंतर है, यहाँ हिंदी में ता है और संस्कृत में तल है, लेकिन प्रक्रिया दोनों की एक है। तल प्रत्यय लगा सुंदर में तल प्रत्यय लगाएंगे तब भी बनेगा क्या मित्रों? सुंदरता। और सुंदर में ता प्रत्यय लगाएंगे तब भी सुंदरता बनेगा। तो अंतर क्या है? मधुरता हो या लघुता हो, दीर्घता हो या कठिनता हो या सरलता हो, संस्कृत में उसको तल कहा जाता है और हिंदी में उसको ता कहा जाता है। अंतर क्या है बताइए मित्रों मुझे। और भी आप देखेंगे कि किसी की भी बात कर लीजिए, मैं मधुर की बात करता हूं, जब है मधुरतर की बात करता हूं, तो हिंदी में जब पूछा जाता है तो कौन सा प्रत्यय है? वो तर प्रत्यय है। जबकि संस्कृत की बात करूंगा तो संस्कृत में उसको तरप कहा जाता है। हिंदी में जो तम प्रत्यय है संस्कृत में वो तमप प्रत्यय है मित्रों। संस्कृत हिंदी में जो अप प्रत्यय है वो संस्कृत में णबुल प्रत्यय है, और हिंदी में जो अन प्रत्यय होता है वो संस्कृत में ल्युट प्रत्यय होता है मित्रों।
अंतर कुछ भी नहीं है, केवल और केवल नाम का अंतर है मित्रों, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। एक जगह उसको अख कह दिया गया, दूसरी जगह उसको नवल बोल दिया गया, कह दिया। जब हिंदी में पूछा जाए कि कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो हिंदी में कह दिया जाता है कि कारक में अक प्रत्यय होता है, लेकिन संस्कृत में जब पूछा जाएगा तो कारक में कौन सा प्रत्यय, नवल प्रत्यय माना जाएगा। तो बस केवल नाम का अंतर है मित्रों, बाकी कोई अंतर नहीं। वहां भी प्रत्यय वही है, यहाँ पर भी प्रत्यय वही है, तो फिर दोनों में अंतर ही क्या है? तो फिर हम क्यों ना हम संस्कृत का चुनाव करें। इतना ही नहीं, और भी मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगा। बाच्य आप हिंदी में भी पढ़ोगे मित्रों, यहाँ पर भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, और संस्कृत में भी आप वाच्य पढ़ोगे मित्रों, और यहाँ पर भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। बताइए फिर इन दोनों दोनों लैंग्वेजों में अंतर क्या है मित्रों? जो हिंदी में आपको पढ़ना है वही तो संस्कृत में है, अलग से क्या है? एक जगह आप ढंग से स्टडी करो, एक जगह आप रिवीजन करो उसका, इससे फायदा उसमें मिलेगा, उससे फायदा इसमें मिलेगा। आगे और मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण विषय की, यानी शिक्षण विधियों की बात करता हूँ। और जब शिक्षण विधियों की बात की जाती है, यहाँ हिंदी में भी शिक्षण विधि है मित्रों, और संस्कृत में भी शिक्षण विधि है। इन दोनों की भी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ जब बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, संस्कृत की बात करेंगे, जब यहाँ कह दिया जाएगा कौशल, भाषा के कौशल, भाषाई कौशल, यहाँ भी भाषा के कौशल है और यहाँ भी भाषा के कौशल है, यहाँ भी मूल्यांकन है, यहाँ भी मूल्यांकन है, यहाँ भी उपचारात्मक शिक्षण है, यहाँ भी उपचारात्मक शिक्षण है, यहाँ भी निदानात्मक, यहाँ भी निदानात्मक, दोस्तों यहाँ पर भी सहायक सामग्री है, यहाँ पर भी सहायक सामग्री है, यहाँ पर भी वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि है, यहाँ पर भी प्रत्यक्ष विधि है, यहाँ पर भी भंडार कर विधि है, यहाँ पर भी भंडार कर विधि है, यहाँ भी व्याख्या विधि, यहाँ भी व्याख्या विधि, यहाँ भी दल शिक्षण, यहाँ भी दल शिक्षण। बताइए मुझे कहाँ, इस सिलेबस को उठा करके देखिए मित्रों, दोनों की शिक्षण विधियों के सिलेबस को आप मिलाओगे तो आप कहीं अंतर नहीं कर पाओगे। केवल एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा मिल जाएगी हिंदी में कि हिंदी भाषा की चुनौतियां, केवल एक लाइन। सीसीई, यहाँ भी सीसी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और यहाँ पर भी सीसीई है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर दोनों में अंतर क्या? जब मैं इनके अंदर की भी बात करूं मित्रों, तो यहाँ 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 चार भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेकिन यहाँ कितने होते हैं? यहाँ भी मित्रों चार ही होते हैं, यहाँ भी श्रवण कौशल होता है, यहाँ भी भाषण कौशल होता है, यहाँ भी पठन कौशल होता है और लेखन कौशल होता है। चार कौशल यहाँ, चार कौशल यहाँ, प्रथम कौशल वहां भी सुनना है, यहाँ भी सुनना है, तो अंतर क्या है बताइए मित्रों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों में एक है मित्रों, सहायक सामग्री यहाँ भी, यहाँ भी श्याम पट्टे है, यहाँ भी श्याम फलक है, यहाँ भी आपकी कंप्यूटर है, यहाँ भी आपका संगणक है, यहाँ भी आपके चलचित्र है, यहाँ भी चलचित्र है, यहाँ पर भी मित्रों बुक के बोई सिलेबस। शिक्षण विधियों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है मित्रों, केवल लैंग्वेज का अंतर है। और जो कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, लैंग्वेज की वजह से, संस्कृत लैंग्वेज की वजह से किसी का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। भाषा की वजह से यदि आप पर नहीं आता होगा तो वो अलग बात है, बाकी आप प्रश्न को जानते हुए उसका उत्तर भाषा की वजह से गलत नहीं कर पाओगे। तो मित्रों शिक्षण विधि सेम है, तो आप खुद इसका चयन करें कि हमें कौन सी भाषा, यदि आप अंग्रेजी भाषा लेना चाहते हैं मित्रों, और अंग्रेजी मीडियम आपकी नहीं रही, यदि इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हो तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। बाकी मित्रों आप यहाँ यहाँ आपको सारी चीज अलग पढ़नी पड़ेगी, हर चीज। यहाँ अंग्रेजी का हिंदी से कोई लेना देना नहीं है मित्रों, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपको आपको अपने विवेक के अनुसार कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज आपको रीट में सफलता दिलवा सकती है, ये स्वयं आप इसका चयन करें मित्रों। और रही बात, आप डरे नहीं आप उन छात्रों से जिन्होंने संस्कृत में नेट कर रखी है,
डरे नहीं आप उन छात्रों से जिन्होंने जिन जिन्होंने संस्कृत से एमए की है, बीए में जिनके संस्कृत रही है, ऐसे छात्रों से नहीं डरे, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं हमारे राजस्थान में होता क्या है। जो यूनिवर्सिटियों की जो एग्जाम होती है, यानी हम बनबिक सीरीज लाते हैं, बनबिक सीरीज से हम 10 दिन 8 दिन 15 दिन पढ़ करके और हमें एमए कर लेते हैं, हम बीए कर लेते हैं। इसलिए मित्रों उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कतई ना डरे, जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं। इसलिए आप खुद खुद अपने विवेक से निर्णय लें कि कौन सी भाषा आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।